आजकल इंसान को जीने की नहीं मरने की भी गारंटी चाहिए, मतलब जुर्म में भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। भाईंदर पुलिस स्टेशन में मेरी जब पोस्टिंग थी उस वक्त मेरे पास एक केस आया था। एक लड़की को पहले चाकू से मारा गया, उसके बाद में दुपट्टे से उसका गला दबाया गया। अगर पहले चाकू से मारा था तो गला दबाने की क्या जरूरत थी, क्या वजह थी, और एक चाल में रहने वाली सिंपल सी लड़की को क्यों मारा था? इस मर्डर में हमारे सामने 6 सस्पेक्ट थे और उनमें से कातिल को ढूंढना आसान नहीं था। थोड़ा पास आओ ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी और की बीवी के साथ खड़े हैं। कंधे पर हाथ रखिए। हाँ, ये हुई ना बात। आपकी बीमारी के बारे में पता चला मुझे, सुनके बहुत बुरा लगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे? अभी क्या कर सकते हैं, जो नसीब में है सो है। भगवान ने मेरे को इतना ही टाइम दिया जीने के लिए, पर काहे नहीं, अब तो आदत हो गई है। चलिए मैं चेंज कर आती हूँ। सुनो, एक बात पूछनी थी, क्या इसके बाद हम कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं। क्या हुआ, बहुत दर्द आ रहा तेरे को उसका? नहीं, ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, वो मरने वाले हैं ना इसलिए। अरे इसलिए तो ये गेम खेल रहे हैं हम, उधर से ध्यान हटा इधर लगा, फोटो भी लागे देखा। हाँ चल, 3 लाख निकाल अभी। 3 लाख? 2 लाख की बात हुई थी ना। अरे 3 लाख तो सिर्फ उसी को जा रहा है, कमाल है। अभी तो बड़ा पर्सनल हो रहा था, तू कहाँ गया तेरा दुख दर्द। चल अभी के लिए 3 लाख दे, पॉसिबल होता तो बाद में 1 लाख एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू, पर मुझे थोड़े और पैसे मिलेंगे, बहुत जरूरत है, प्लीज। अभी तो नहीं हो पाएगा, कुछ होता है बाद में तो बोलता हूँ, ठीक है? ये पंद्रह हजार? वाह, ये मेरे को आइडिया नहीं था, ये घर घर जाके कपड़े धोने का पाउडर बेचने में इतनी कमाई है। वाह, 13, 14, 15 कमाई पाउडर में नहीं है, बेचने वाले के तरीके में। तुम्हें पता है मैं कंपनी को सबसे ज्यादा सेल देती है, 15,000 तुम्हारे और 5,000 आई के लिए। आई हम आ गए, पर तुम इस वक्त घर पे कैसे? इस वक्त तो तुम्हें स्कूल होना चाहिए था ना। फीस नहीं भरा था तो टीचर ने हम दोनों को निकाल दिया। फीस? अरे आप, अरे तुम कल जाके इनकी फीस भरो, वरना इनकी पढ़ाई में नुकसान होगा। फीस के पैसे? अरे अभी दिए ना 15,000। 15,000 दिए तो क्या एहसान किया क्या मेरे ऊपर? सुना रही है मेरे को, मैं निकम्मा हूँ, कुछ काम करता नहीं हूँ। देख अगर मेरी नौकरी होती ना, 1 रुपया नहीं लेता तेरे से। बात करती है। अरे मैं तो सिर्फ फीस भरने के लिए कह रही हूँ ना। फीस भरनी है तो इसमें से नहीं दूंगा मैं, जो पैसे आई को देने वाली थी ना उसमें से भर। और मेरे को एक बात बता, आई सिर्फ तेरे अकेले की जिम्मेदारी है क्या? सुजाता अभी तो कमाती है ना, उसको बोल वो देगी आई को पैसे। देखो तुम लोग चिंता नहीं करना, मैं कल फीस भर देगी। अभी मैं आई के जा रही है, ज्यादा शैतानी मत करना, ठीक है? जाती हूँ।
आई ये ले तेरे लिए। किती करतेस माझ्यासाठी? आई तू नसतीस तर काय झालं असतं माझं? कुछ नहीं, ले पानी पी। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, अजीबात नहीं। देख मैं तेरे को आखिरी बार बोल रही हूँ, एक हफ्ता तो क्या, एक महीना भी नहीं चलेगा। हाँ तो भाड़ में जा, मत बात कर, मतलब परत फोन नो करूँ सा तू। शपथ सुजाता, अरे तू और बिपिन एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन जब देखो बस कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। पर ताई इस बार गलती मेरी नहीं है, उसकी है। बोलते एक हफ्ते में शादी करनी है, मैंने बोला एक महीने में भी नहीं हो सकती, तो भड़क गया, गुस्सा हो गया। पर मुझे ना उसका गुस्सा पता है, दो मिनट में ठंडा हो जाएगा। अच्छा सुन, तू ना बिपिन से शादी से पहले ही बात कर ले, वरना ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो आई के कैंसर के इलाज के लिए पैसे ना दे और तुझे भी ना देने दे। देख मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ ना। अब देख तुझे तो पता है ना कि यतिन के पास कोई काम नहीं है, तो मेरे लिए ना ये दो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे ताई तू टेंशन मत ले, मैं विपिन से बात कर लूँगी, ठीक है? चाय पिएगी तू? हाँ चाय बनोते। हाँ हेलो अनिल भाव, भाव मुझे थोड़ा पैसा और चाहिए। वो क्या है ना, आपको तो पता है कि यतिन का अभी कहीं काम नहीं लगा है। अरे हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्लाइंट को पटाना कोई आसान खेल थोड़ी ना है। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी जा रहा हूँ एक से मिलने, देखता हूँ अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो एक दो दिन में थोड़ा पैसा आ जाएगा। ठीक है। अरे मस्त फोटो, बहुत बढ़िया। आप लोग चेंज कर लीजिए कपड़ा। आप तुम क्या कर रहे हैं? वही जो तुम करने आई हो, झूठ मूठ के सही, हम पति पत्नी तो है, जरा मैं भी तो देखूं मेरी पत्नी को। अरे क्या अनिल भाव, अरे क्या हुआ अनिल भाई? ये सब करने का ना तो डील कैंसिल। अरे सुन तो, भड़क क्यों रहा है? नेहा मेरी बहन है और तू साला ठर के उस पे गंदी नजर डाल रहा है। मैं इधर तेरा फायदा करवाने के लिए आया और तू साला हलकतगिरी कर रहा है इधर। देख देख डील ऑन रखना है ना तो ये सब चलेगा नहीं। ठीक है ये 10,000 रुपए। 10,000? इस बार इतने कम कैसे? अरे वो सेल कम हुई ना तो कमीशन तो कम ही मिलेगा, है ना? अच्छा आज खाने में फ्लावर की सब्जी। ये आई के पैसे। झूठ बोली मेरे से, पैसे चुप भाई। ये आई के पैसे हैं, वापस रखो। बाहर में गई तेरी आई, मरती है तो मरने दे। तुम्हारी आई होती तब भी तुम यही बोलते कि मरने दे उसे। बेटा दवाइयां लाई है, खत्म हो गई है दवाइयां। आई वो, अरे ताई तू कर जालीस? अभी बस थोड़ी देर पहले। अच्छा वो आ गई, ये देख मैं नया फोन लिया है, मस्त है ना? तुझे पता है इसमें ना 20 मेगापिक्सल कैमरा है, बहुत अच्छी फोटो आती है और सेल्फी तो कमाल की आती है। आई तू पढ़ मत थे वक्त था। 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 है ना
चलो हम तीनों सेल्फी निकालते हैं। तूने भी पिंसाय के बारे में बात की? ताई मैं कर लूंगी, तू फोटो निकालेगा? चल कब करेगी? हाँ कब करेगी तू? इधर तू बिपिन से बात नहीं कर रही, उधर ये तीन पैसे को लेकर किटकिट करता रहता है। अरे मैं ये सब अकेले कब तक करूँगा? कहाँ से लाऊँ इतना पैसा? कोई तो मेरी मजबूरी समझो। ताई तू मेरे लिए पैसा नहीं दी, आई के लिए पैसा दे दिया समझी? मैं पूरा घर संभालती हूँ, तू तो बस दो पैसे दे के बड़ी बन जाती है। मैं बाहर जाके पैसे कमाती हूँ, आई का देखभाल करती हूँ, देर देर बजे दो दो बजे आई को हॉस्पिटल मैं लेके जाती हूँ, उसका कुछ नहीं। हाँ अच्छा एहसान कर रही है? हाँ एहसान कर रही है तू? कहीं तेरी आई नहीं है? तुझे फोन खरीदने का टाइम है लेकिन बिपिन से बात करने का टाइम नहीं है तेरे पास? अरे तो ताई कर रही हूँ ना मैं, इतना आई है तू क्या? क्या चल रहा है? चिल्लाने से पहले दरवाजा तो बंद कर लेते। सब सुना मैंने, मैंने क्या पड़ोसी ने भी सुना। अनी ताई शादी के बाद सुजाता अगर आई के बीमारी के लिए कुछ खर्चा करती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो कहता हूँ कि जरूरत पड़ेगी तो मैं भी मदद करूंगा, आखिर ये भी तो मेरी आई जैसी है। तुम्हें काजी करो ना। नेहा, 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 अरे तू तो मरने वाली थी ना, एकदम मस्त ठीक ठाक दिख रही है, और ऐसे क्या देख रही है? पहचाना नहीं क्या? मी तुझा नवरा गणेश परब। नहीं 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 आई कुछ कमी है क्या? क्या ये चश्मा हटा जल्दी। अरे हटा इसको। आजा 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 अब करते हैं। हाँ आजा। लग तो सजाता आई होगी। मैं आई देख कर आती हूँ। अरे अनिल भावा। हाँ मैं ही है। अरे मेरे को अंदर तो आने दे। हाँ आइए ना। अरे क्या कुछ फंक्शन वंक्शन है क्या घर में? और डेकोरेशन किया हुआ है? बहू मैं आपको बताने वाली थी, कल सुजाता की शादी है। अच्छा अच्छा है अच्छा है। नहीं यार शादी में तो आएगा मैं कल, उससे पहले मेरे को तेरे से कुछ काम था। हाँ बहू बोलिए ना। बोलता हूँ पहले तेरी आई से तो मिल लूँ, कहाँ है वो? हाँ वो अंदर है, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ आप चलिए अंदर। मौसी को? अरे मैं अनिल, अनिल काय म्हणताय, कैसी आप? अनिल, अनिल हाँ लगता है सुजाता आ गई। मैं देखता हूँ मौसी। मेरे बच्चे चश्मा। मौसी मौसी देखिए क्या हो गया। क्या हुआ? मेरा चश्मा। नेहा मेरे बच्चे। नेहा लगता है चाकू से मारा गया और सिर्फ एक वार किया गया है, बॉडी में और भी कहीं निशान नहीं दिख रहा, लेकिन खून काफी बह गया है, हो सकता है इतना खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। मौत किस वजह से हुई है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा शेर के, क्योंकि चाकू के साथ साथ गले पर भी मुझे निशान दिख रहे हैं। बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। ठीक है सर। एक काम करो, घर चेक करा व्यवस्थित, पड़ोसियों से भी बात करो, किसी ने कुछ देखा सुना? तब तक मैं घर वालों से बात करता हूँ। कल सुजाता की शादी होने वाली थी साहब, उसी के लिए पिछले दो दिन से नया यहीं पर थी। मैं भी आज शाम को मेरे बच्चों के साथ यहीं पर आने वाला था साहब। ये मर्डर हुआ तब घर पे कौन था? साहब मैं और अनिल थे। ये कौन? साहब मेरा नाम अनिल है, ये मेरी मावशी है, मैं इनका दूर का रिश्तेदार हूँ।
इनकी तबीयत पूछने के लिए आ गया था। शादी के घर में तबीयत पूछने के लिए आए थे? शादी मालूम नहीं था घर में? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था साहब। मैं आज यहाँ आया और मेरे को पता चला इनको कैंसर है मौसी को, तो ऐसे ही पूछताछ करने आ गया था। साहब ये सही बोल रहा है, जब ये मेरे कमरे में आया तब दरवाजे की घंटी बजी, नेहा ने दरवाजा खोला, हम दोनों को नेहा की चीख सुनाई पड़ी। साहब मैं चश्मे बगैर देख भी नहीं सकती और वॉकर बगैर चल भी नहीं सकती। अनिल ने मेरी मदद की, बाहर आके देखा, नेहा यहाँ मरी पड़ी थी। सुजाता वह दरवाजे पे खड़ी थी। साहब जब ये लोग बाहर आए तभी मैं आई थी और ताई वहां पे मरी पड़ी थी। आपने किसको भागते हुए देखा या कोई जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं साहब, अगर देखती तो बता देती आपको। वो मेरी ऑटो रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए टाइम हो गया, वरना मैं ताई को मार जा पाती। आप लोगों को किसी पे शक? कौन मार सकता है साहब? कौन मारेगा, क्यों मारेगा, समझ में नहीं आ रहा साहब। साहब हम बहुत ही गरीब लोग हैं साहब, हमारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नेहा, नेहा तो बहुत अच्छी थी साहब, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी। घर वालों का कहना था कि नेहा मोरे एकदम सिंपल सीधी साधी औरत थी, उसका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिसका कोई दिखने वाला दुश्मन नहीं होता, उसके बहुत सारे छिपे हुए दुश्मन होते हैं। शुरू में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हैरान करने वाला सच सामने आया। हाँ रानी बोलो। काम हो चुका है, अब नहीं रही वो, अब आगे कैसा क्या करना है सब तेरे को मालूम है। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, और सिर्फ एक वार किया गया। लेकिन सर क्राइम स्पॉट पे हमें ऐसा कोई वेपन नहीं मिला। तो एक वार से मर गई हो? नहीं सर, पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि पहले उसे चाकू मारा गया और उसके बाद उसका गला दबाया गया। सर गला दबाने की वजह से उसकी मौत हुई है। शिरके उसको पहले चाकू से मारा गया, उसके बाद में उसका गला घोटा। लेकिन अगर चाकू से मारा तो गला क्यों घोटा? यही बात तो समझ नहीं आ रही सर। वैसे मैंने नेहा के हस्बैंड यतिन के अली भाई को चेक किया है और पड़ोसियों से पूछताछ भी की है। सर उनके मुताबिक जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ, यतिन अपने बच्चों के साथ घर पर ही था और उसकी छोटी बहन सुजाता, उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन जिस एरिया के सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर हुई है, जहाँ उसका ऑटो पंचर हुआ था, 10 मिनट बाद उसने दूसरा ऑटो लिया। सर इन दोनों के बयान के हिसाब से ये दोनों सच बोल रहे हैं। फिर कातिल कौन है? एक बात तो साफ है कि वो चोर नहीं था, क्योंकि शादी वाले घर से कोई चीज़ गायब नहीं हुई। सर वाशी से कोई मंगेश कुलकर नहीं आया, वो अपनी बीवी की एनसी मांग रहा है। कौन है उसकी बीवी? नेहा मोरे। सर उसका कहना है कि कल भाईंदर में जो मर्डर हुआ वो उसकी बीवी नेहा कुलकर्णी है। क्या? हाँ सर। साहब 6 महीने पहले हमारी शादी हुई थी, कार्ड पे डेट, उसके आई बाबा का नाम, एड्रेस सब कुछ है, फोटो और मैरिज सर्टिफिकेट भी है। साहब एक साल पहले जब वो डिटर्जेंट बेचने के लिए आई थी तब हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और 6 महीने पहले ही हमारी शादी हुई। तुम वाशी में रहते हो? जी। तुम्हारी बीवी भाईंदर में क्या कर रही थी? साहब वो अपने आई के पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए आई थी। तुम यतिन मोरे को जानते हो? कौन यतिन मोरे? साहब मैं नहीं जानता। नेहा का पति। क्या तुमको बच्चे हैं? साहब कैसी बात करें आप? साहब 6 महीने पहले हमारी शादी हुई, बच्चे कहाँ से आएंगे? यतिन को बच्चे हैं, वो भी एक नहीं दो, 10 साल की लड़की, 8 साल का लड़का। साहब ये कैसे हो सकता है? साहब नेहा मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हुआ है, अभी मुझे कुछ लीगल पेपर्स के लिए NOC चाहिए उसके डेथ का, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मिलेगा, सब मिलेगा, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दो, सब मिलेगा, ये सब मेरे पास रहने दो। और हाँ तुम्हारा एड्रेस फोन नंबर सब लेके जाओ, जब तक केस चल रहा है शहर से बाहर नहीं जाने का। जी। यतिन से बात करनी है। हाँ आइए।
वैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? वो जीजा जी ताई की अस्थियां लेकर नासिक जा रहे थे, इसलिए मैं बच्चों को लेने आ गई। नमस्ते साहब। इसको जानते हैं? इसका नाम मंगेश कुलकर्णी है। इसका कहना है कि नेहा की इसके साथ शादी हुई थी 6 महीने पहले। मुझे लगा ही था साहब नेहा कुछ गलत काम करती होगी। मतलब? साहब मेरी नौकरी चली गई थी साहब। नेहा सेल्स गर्ल का काम करती थी, हर घर जाकर डिटर्जेंट पाउडर बेचती थी और अच्छा पैसा कमाती थी साहब। इसमें गलत क्या है साहब? डिटर्जेंट पाउडर बेचकर कौन 35-40 हजार कमाता है साहब? साहब मैंने एक दिन मार्केट में एक आदमी को नेहा के ऊपर चिल्लाते हुए देखा था। जब नेहा को जाकर मैंने पूछा वो कौन था तो वो बोली, कौन था वो आदमी? कौन? अच्छा वो, अरे वो मेरी सहेली का पति था गणेश। कौन सी सहेली? प्रियंका है ना, तो क्या है ना कि प्रियंका का उसके साथ जमा नहीं, तो वो उसे छोड़ के चली गई। तो बस उसे लगा कि मुझे मालूम है तो मुझसे पूछ रहा था। मार्केट में पूछ रहा था वो भी इतना चिल्ला चिल्ला कर? अरे वो मेरे पे नहीं चिल्ला रहा था, वो तो प्रियंका पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था किधर गई किधर गई। यही था वो? नहीं ये नहीं था साहब। नेहा गलत काम कर रही है, ये आपको और आपकी माँ को पता था? नहीं साहब, हमको तो लगा ताई पाउडर बेच के पैसे कमा रही है। सिर्फ ये तो पता चला ये नेहा ड्यूअल लाइफ जी रही थी, कोई गलत काम करके पैसा कमा रही थी। लेकिन सर ये नेहा क्या गलत काम करती होगी? वही तो पता करना है। चलो ऐसा करते हैं, थाने जाके कड़क चाय पीते हैं, डबल चीनी, दिमाग की बत्ती जला दे। अरे बीवी है जासूस, उठा लो सर। शिरके क्या चल रहा है? ये सस्पेंड कर दूंगा, निकलो यहां से। हेलो हेलो, कट गया सर। शादी करो पता चल गया। सर संजय राउत नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। क्यों? सर उसका कहना है कि वो भी नेहा का पति है। साहब ये नेहा पालघर में घर घर जाकर डिटर्जेंट बेचती थी साहब, मेरे घर पे भी आती थी। उसने बताया उसकी माँ बहुत बीमार रहती है, इसलिए मेरे को उससे बहुत हमदर्दी होगी साहब। फिर साहब उससे प्यार हो गया और हम लोग ने शादी कर ली। फिर मेरे को बोल के गई थी कि उसकी माँ का ख्याल रखने उसके माँ के घर जा रही है। जब तक उससे फ़ोन पर बात हो रही थी तब तो मामला ठीक था साहब, फिर अचानक उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बाद में मैंने पता किया साहब तो पता चला कि उसका मर्डर हो गया साहब। अब मेरे को कुछ लीगल काम है साहब, इसलिए उसके डेथ सर्टिफिकेट के लिए आपसे NOC चाहिए। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन चालू है, बाद में सब कुछ। तुम्हारा फोन नंबर और एड्रेस देके जाओ और केस जब तक चालू है ना शहर से बाहर नहीं जाने का। शिरके या मुझे लगता है जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैं चाय पीना भूल गया था, क्योंकि इस केस में एक से एक झटके लग रहे थे। क्योंकि अब संजय के बाद गणेश परब और सचिन पाटिल, इन दो आदमियों का आना और कहना हम नेहा मोरे के पति हैं और हमें उसके मौत की NC चाहिए, चार आदमियों का आना और उनकी डिमांड और सबूत सेम होना, इससे मुझे यकीन हो गया था कि ये केस बहुत बड़े फ्रॉड का केस है। मैंने चारों को एक साथ बुलाया, लेकिन इस बार झटका खाने की बारी हमारी नहीं उनकी थी। चलो साहब ने बुलाया। हाँ चलो। ए पहले साहब ने मेरे को बुलाया और पहले मैं आया, तो अभी मेरे को बुलाया ना तो पहले मेरा मीटर। ए तेरा नाम लिया मैंने, तुम सबको एक साथ बुलाया, चलो। अरे वाह आ गए तुम लोग, कुछ दिखाता हूँ तुमको। तुम चारों ने नेहा के साथ अलग अलग टाइम पे शादी की थी,
अब मुझे एक बात बताओ, नेहा ने तुम चारों के साथ फ्रॉड किया या तुम सबका प्लान था किसी को चूना लगाने का? नहीं साहब, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि राणे ने हम सबको चूना लगाया है। अनिल राणे ना? हाँ, वो इंश्योरेंस एजेंट। हाँ भाई, तुम लोग कैसे जानते हो? वो तो मेरा इंश्योरेंस एजेंट। अरे वो मेरा भी इंश्योरेंस एजेंट है, अपना फोन नहीं उठा रहा है। अरे मिलेगा तो मैं हड्डी पसली एक कर देगा उसका। जब अब पता चला ना, अनिल राणे वो इंश्योरेंस एजेंट ना, यानी वो नेहा का रिश्तेदार। साहब रिश्तेदार पता नहीं, पर नेहा उसको भाऊ बोलती थी। चुप, सब नहीं, एक जन बोलो। बताओ अनिल कैसा गेम खेल रहा तुम्हारे साथ, बोल। मतलब 7 लाख लगा के 75 लाख मिलेंगे, बेड़ा समझा मेरे को, किधर मिलता है ऐसा? अरे भाऊ आप सुनिए तो, मिलता है भाऊ। अरे मैं दिलवाऊंगा ना आपको। देखो सबसे पहले तो मैं नेहा माने के साथ आपकी एक झूठी शादी करवाएगा, जिसके लिए आप मेरे को 2 लाख रुपए देंगे। इस शादी के लिए एक झूठा सा ही लेकिन एकदम असली देखने वाला मैरिज कार्ड बनवाना पड़ेगा। फिर शादी के जोड़े में ऐसे ही झूठ मूठ का एक अच्छा सा फोटो खिंचवाना पड़ेगा, जिसको दिखा के आप दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा, जो असली से भी असली देखेगा। और भाऊ उसके बाद ये सारे शादी के डॉक्यूमेंट्स ले जाके मैं अपना इंश्योरेंस एजेंट वाला काम चालू कर देगा। मतलब आपकी झूठी पत्नी नेहा माने के नाम से मैं एक सचमुच का 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के देगा, जिसका 5 लाख का प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। नहीं सुनिए तो, नेहा का कैंसर है लास्ट स्टेज पे, वो तो 3 महीनों के बाद मर जाएगी। 3 महीनों के बाद आप उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा के इंश्योरेंस कंपनी जाओगे, इंश्योरेंस क्लेम करोगे, उसका आपको 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, जिसमें से 75 लाख आपका, 75 लाख मेरा, बस सिंपल। अच्छा, और हेल्थ सर्टिफिकेट, वो भी तो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा ना? अरे आप उसका टेंशन क्यों लेते हो, वो तो मुझे देना पड़ेगा ना, मैं संभाल लेगा वो। सेम टू सेम साहब, मैं अपन हेड सांगित रहा होता है, ऐसा ही बोला था। ए चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ। अरे तुमको अनिल ने नहीं, तुम्हारे लालच ने बेवकूफ बनाया। अरे थोड़ा तो सोचना चाहिए था, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था। कैंसर के लास्ट स्टेज पे जो पेशेंट है उसको कौन सी कंपनी 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस देगी, सोचा? पागल। अनिल को लेके आओ शिरके। सर मिलेगा कहाँ साहब, वो तो अंडरग्राउंड हो गया है साला। बोला था मेरे को कि मरेगी नहीं तो मरवा देंगे। कब बोला था? यही ये नेहा के मर्डर के 1 हफ्ते पहले। अबे साले, इधर जिंदगी हराम हो चुकी है और तू 5 बार आए। क्या हो गया? तू क्या बोला था कि 3 महीने में नेहा मरेगी, वो तो मस्त घूम रही है। क्या बात कर रहे हैं आप भाऊ? हाँ कुछ भी ऐसा हो ही नहीं। मैं अभी मार्केट में जाके आया मिल के नेहा को, वो कैंसर की तो क्या बुखार की पेशेंट भी नहीं दिख रही है, और तू बोलता है मरेगी, कैसे मरेगी? वो मर नहीं रही है ना, उसको मरवा देंगे। इसका मतलब उन दोनों ने हमें फंसा है, नेहा को कोई बीमारी नहीं थी, मैं बेवकूफ की तरह उसके लिए वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आया था जो उसने खाया भी नहीं। कैसी हो नेहा, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मतलब कैंसर ठीक हो गया? हाँ नहीं नहीं, मतलब कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन अब क्या बोलूँ लोगों को कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। अरे हाँ ये लो, वैष्णो देवी से प्रसाद लाया हूँ तुम्हारे लिए, ले लो, क्या पता दवाई काम नहीं आ रही, दुआ काम आ जाए, ले लो। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद तो मना नहीं करते, ले लो। नहीं नहीं मंगेश, नहीं थोड़ा तो खाओ मारने का मोटिव है इनके पास। शिरके हो सकता है अनिल ने प्रीमियम के पैसे लिए हो और भरे ना, ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस फेक हो। एक काम करो, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दो कि ये चारों इंश्योरेंस फेक है। ठीक है सर। और ये अनिल को ढूंढ के निकालो। ओके सर। हमारे पास नेहा मर्डर केस में 6 सस्पेक्ट है और उनके पास मोटिव भी है, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सर सर हमने यतीन के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि यतीन बहुत गुस्से वाला आदमी है। ठीक हो ना?
शिरके यतीन को लेके आ, अपने तरीके से उससे पूछताछ करते हैं। ठीक है सर, लेकिन यतीन तो नासिक गया है अपनी बीवी की अस्थि विसर्जित करने। एक मिनट सर। हेलो, क्या बॉडी को घुमा सर, ये तो नेहा की बहन सुजाता है। लेकिन ये इतने सुनसान जगह पे क्या कर रही थी शिरके? बैग चेक करो, कुछ मिल रहा बैग में? आसपास सर्च करो। अरे घाव देखकर तो लग रहा है किसी धारदार हथियार से वार किया गया। सर ये फोन मिला है, टूटा हुआ है। देखो शिरके, फोन को जिस तरह से तोड़ा गया है लगता है इसमें जरूर हमारे काम की कोई चीज होगी। ये फोन सुजाता के माँ को दिखा, अगर वो बोले ये फोन सुजाता का है तो इसको टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेजो, पूरा डाटा रिकवर करो। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। देखिए, हम जानते हैं कि ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, फिर भी सुजाता के कातिल तक पहुंचने के लिए कुछ बातों का जानना जरूरी है। ये जो फोन है ये सुजाता का फोन था? हाँ साहब, ये फोन सुजाता का ही है। आई तू बड़ा। इस फोन में ऐसा क्या था कि जिसने भी सुजाता का मर्डर किया फोन को इतनी बुरी तरह से तोड़ा, कुछ पता है आपको? साहब, मैं मेरा फोन भी ठीक से चला नहीं पाती हूँ तो सुजाता के फोन के बारे में मुझे कैसे पता होगा? लेकिन साहब, ये फोन नया है, कुछ दिन पहले ही सुजाता ने खरीदा था। अंकल, मौसी के फोन में बहुत सारी फोटो थी। आई वो दिन जब अजी ने मौसी के साथ फोटो ली थी वो भी थी उसमें, और जब मौसी हमें लेने आई थी तब मैंने और निखिल ने वो सब फोटो देखी थी। क्या देख रहे हो बेटा? आपकी मौसी के फोन में ऐसा क्या था, मतलब आपकी मौसी ने क्या देखा था फोन में? मालूम नहीं अंकल, उसके बाद मौसी दूसरे कमरे में गई और विपिन अंकल को फोन करके कहा उन्हें उनसे अभी मिलना है, फिर वो बाहर चले गए, फिर वो वापस ही नहीं आई। आपको पता है ये विपिन कौन है? सब सुजाता की शादी विपिन से होने वाली थी। अजीब जोड़ी होती, दिन भर लड़ते झगड़ते लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। हाँ सर, सुजाता उस दिन मुझे मिलने आई थी। इतने सुनसान जगह मिलने की कोई खास वजह? सर, वो जगह मैंने नहीं, सुजाता ने ही डिसाइड की थी। मैं उसे अपने घर बुलाना चाह रहा था लेकिन वो तैयार नहीं थी, ना ही उसके घर मुझे आने देना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि साहब, हम दोनों में झगड़ा हुआ था। हालांकि हम दोनों में अक्सर ही झगड़ा होता था। उसने मुझे घोड़बंदर बुलाया था। दोनों में पहले गर्मा गर्मी हुई लेकिन बाद में हमेशा जैसे सब ठीक हो गया था। फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर चला गया। उसको मैंने फोन किया था लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। मुझे लगा गुस्सा हो गई होगी, नाराज हो गई होगी, इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि उसका मर्डर हो गया। मेरी सुजाता बहुत प्यारी थी साहब, मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसको किसने मारा? क्यों मारा साहब, क्यों मारा? उसको क्यों मारा वो तो पता नहीं, लेकिन किसने मारा ये जल्दी पता चल जाएगा। शायद तुम भी हो सकते हो, क्योंकि आखिरी बार तुम मिले थे। मैं नहीं साहब,
मैंने नहीं मारा सुजाता को, मैंने नहीं मारा। अरे तूने, सब लोग यही कह रहे कि किसी ने किसी को नहीं मारा, लेकिन सुजाता को किसी ने तो मारा। सर सुजाता की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत पेट में चाकू लगने की वजह से हुई है। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात, मौत 22 अगस्त शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। और यतीन के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से उसी दिन उसी दौरान उसका फोन भी उस एरिया में एक्टिव था। और अभी? सर अभी उसके घर पे। उठा के लाओ उसको। और ये सुजाता का मोबाइल डाटा रिकवर हुआ? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी रिकवर हो जाएगा। सब ये आप क्या बोल रहे हो साहब, मैं सुजाता को क्यों मारूंगा? क्योंकि तूने नेहा को मारा, और नेहा को मारते वक्त सुजाता ने देखा था, इसलिए तूने सुजाता को मारा। लेकिन साहब जिस दिन सुजाता का खून हुआ मैं तो मुंबई में था ही नहीं। झूठ मत बोल, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है सुजाता को मारा उस वक्त तू वहां था, और तेरे पड़ोसी ने भी बताया कि तू नेहा को मारपीट करता था। पैसे वापस रखो। नहीं मिलेंगे, आई के इलाज के लिए 1 रुपया नहीं दूंगा, समझी? तेरे को शक था कि नेहा का किधर बाहर अफेयर है? अच्छा वो, अरे वो मेरी सहेली का पति था गणेश, इसलिए तूने उसको मारा, और नेहा को मारते वक्त सुजाता ने देखा इसलिए तूने सुजाता को भी मारा। सब सब मैं मानता हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, और मैंने नेहा के ऊपर बहुत बार हाथ भी उठाया, उसके ऊपर शक किया, लेकिन मैं उसको बहुत चाहता भी था। उसकी अस्थि विसर्जन करने में नासिक जा रहा था साहब, लेकिन बस को आने में 1 और घंटा था, इसलिए मैं बियर पीने चला गया। यकीन करो साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ। जब तक तू बोल रहा है सच है, ये साबित नहीं होता, यही रहेगा। सर सर मैंने यतीन की एलिबाई चेक की है, सुजाता के मर्डर के टाइम पर वो एक बार में बैठा था, बार के एक वेटर ने उसका फोटो देख के आइडेंटिफाई किया है। सर उसका कहना है कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक यतीन बार में ही बैठा था। क्या राणे साहब, किधर हो आजकल, दिखते नहीं हो, कुठे है तुम्हें? अरे एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी, उधर ही गया। तबीयत तो तेरी हम खराब करेंगे सब। साहब कैंसर तो क्या साहब, नेहा को खांसी जुकाम भी नहीं था साहब, मैंने तो बस इन लालची लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक बहाना बना दिया था। तो तुम्हारे यहाँ बहाना चला नहीं, इसलिए तुमने उसको मार दिया। तुमने गणेश के सामने बोला था ना वो मर नहीं रही है ना, उसको मरवा देंगे। नहीं साहब, वो तो मैंने ऐसे ही गणेश से पीछा छुड़ाने के लिए उस टाइम बोल दिया था साहब। अच्छा, अब मेरा प्लान ये था कि मैं उसके जैसे लोगों को पकड़ूं, खूब पैसा कमाऊं और फिर कहीं भाग जाऊं, और उनमें से कोई मेरा पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करने वाला था साहब, वो खुद भी फेक शादी करके फ्रॉड करने वाले थे साहब। तो तुम्हारा इंश्योरेंस प्लान फ्रॉड था? हाँ साहब। मियां को पता था ये? नहीं साहब, उसने कभी पूछा भी नहीं, मैंने उसको सब बताया नहीं था साहब, क्योंकि उसको मुझ पे भरोसा था और उसको पैसे की ज़रूरत भी था जो उसको मिलता था साहब, इसलिए वो मेरे से कुछ ज़्यादा पूछी भी नहीं थी। तुम चुप क्यों रहे थे? साहब गणेश मेरे को मेरा कॉलर पकड़ के मेरे को धमकी दिया था। देख राने, नहीं हुआ ना, मैं फंसेगा तो छोड़ेगा नहीं तेरे को। वो चारों मेरे पीछे इंश्योरेंस के पैसों के लिए लगे हुए थे साहब, मेरे को परेशान कर रहे थे साहब। तो जब नेहा का मर्डर हुआ तो मैंने इन तीनों से कहा कि जाके इंश्योरेंस क्लेम कर दो, जिसके लिए NOC लगता साहब, और एक लड़की का 4 NOC नहीं मिलता तो ये लोग मेरा नाम बोल देते तीनों, इसके लिए मैं चुप गया था साहब। चिरके इसको लेके जाओ, इसका ऐसा प्रीमियम भरो और इंश्योरेंस का बेनिफिट समझाओ, दिमाग ठिकाने आएगा इसका। सर चले सर, चले। सर सुजाता के फोन का डाटा रिकवर हो गया है, ये रहा। लगा सिरके, 20 अगस्त के पहले वाला फुटेज दिखाओ। साहब क्यों बार बार मुझे बुला के परेशान कर रहे हो, इससे तो अच्छा होगा कि आप उसका पता लगा लो खूनी का। बैठो बैठो बैठो, ढूंढ लिया सिरके, किसको ढूंढ लिया दिखा। मैंने तो ये डिलीट, हाँ चल आधा सच उगल दिया, अभी पूरा सच उगल। शिरके
कितना घंटा व्यायाम कर दो तुम? 2 घंटा सर। 2 घंटा बहुत मारेगा। बोलो बोला साहब। मैं साहब नेहा को नहीं सुजाता को मारने गया था। शॉपिंग के बाद मुझे मार्केट में मिली थी और उसने ऐसे बात कर दी ना, मेरी हट गई साहब। तेरे को क्या, मेरे को भी नहीं चलेगा कि कोई मेरी आई के बारे में कुछ भी बोले। अरे लेकिन कौन बोला तेरे आई के बारे में कुछ? तेरी आई बोली कि शादी के बाद मैं अपनी पगार मेरी आई को नहीं दे सकती, मुझे पूरी पगार उनके हाथ में देनी होगी। मैं उनको इलाज के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं दे सकती। अब मुझे पता चला कि तू ही नहीं, तेरी आई भी झूठी है। हिम्मत कैसे हुई मेरी आई को झूठा बोलने की? क्योंकि वो झूठी है और आज मुझे थप्पड़ मार के तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरे लायक ही नहीं है। अब मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, तू बाहर में जा। मार्केट में उसने मेरी बेइज्जती की थी साहब, तभी मैंने सोच लिया अगर इसने मेरे साथ शादी नहीं की ना तो मैं इसकी शादी किसी और के साथ में होने दूंगा। इसके बाद वो घर चली गई। मैं बाइक से 15 मिनट के बाद उसके घर चला गया। मेरे डोर बेल बजा, मुझे पता था घर पे कोई नहीं है, तो उसकी माँ तो दरवाजा खोल ही नहीं सकती। लेकिन मुझे पता नहीं था साहब कि नेहा घर पे है। उसने दरवाजा खोला और मैंने चाकू मार दिया साहब। मैंने देखा कि सुजाता नहीं नेहा है, पर डर गया साहब, मैं उधर से भाग गया। मुझे पता ही नहीं था साहब कि वो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर दिया है। वीडियो का कब पता चला? सुजाता नहीं दिखाया था मुझे। ये क्या है, तुमने मेरी बहन को मारा? देख सुजाता, ये गलती से हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से मर गई वो। देख मुझे ये दे दे। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, किसी तरह पुलिस के पास जाएगा। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी साहब, इसलिए मैंने उसको भी मार दिया। पवार यूं जाला लौट। शिरके सर, इसका हिसाब तो हो गया और हिसाब बाकी। नेहा की चीख सुन के मौसी चश्मा ढूंढने में लगी हुई थी। मैं भाग के अंदर से बाहर आया, मैंने देखा नेहा को चाकू लगा हुआ है। फिर अंदर देखा तो मौसी अभी भी चश्मा ढूंढ रही थी। मैंने सोचा यही सही चांस है उन चारों से पीछा छोड़ाने का। फिर भाग के अंदर गया, मौसी को चश्मा पहनाया, वॉकर लेके उनको बाहर लेके आया। 15 से 20 सेकंड में सब खत्म हो गया था सर। हर अपराधी को लगता है कि वो बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, तुम्हें वैसे ही लग रहा था। फ्रॉड के केस में अंदर जाओगे, कुछ दिन के बाद बाहर आ जाओगे, लेकिन अभी लगा है दफा 302। अभी बाहर आने का मत सोचो, अंदर सड़ने का सोचो। नेहा जिसे खुद का सेल्फी तक लेना नहीं आता था, वो अपने मर्डर का वीडियो रिकॉर्ड कर गई थी और उसने उसके और सुजाता के खूनी को सजा दिलवाई, जैसे कि बिपिन और अनिल। कोई भी जुर्म सही नहीं होता, वो कोई ना कोई लूपहोल जरूर छोड़ जाता है। नेहा मजबूरी में गलत काम करके पैसा जरूर कमा रही थी, उसने उसे कुछ देर के लिए बचा लिया था, लेकिन उसके बदले में उसकी जान ली थी। इसलिए कोई भी गलत काम जानबूझ के नहीं करना चाहिए, जैसे कि नेहा कर रही थी। वो गुनाह की पहली दस्तक होती है, कभी भी जुर्म की दस्तक को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। देखो मुझे क्या मिला। आजकल के बच्चे भी कूल, सेम गिफ्ट मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो कैसे लगा। तुम्हारा बेटा देखो कितना ड्रामेबाज है, बड़ा होकर देखना एक्टर बनेगा। अभी कहाँ गया ये लड़का, ये ऊपर बरसाती में क्या करता रहता है? ये आपकी टिफिन। अभी मैं पापा जा रहे हैं, होमवर्क कर लेना। कोई जवाब नहीं। यस मम्मी, हाँ मम्मी, कुछ नहीं, होमवर्क कर लेना और गेम बाद में, ठीक है? आपने टिफिन ली? ली। हाँ। 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 हाँ।
रहा हूँ, खामा खाइए, इट्स ओके, आई एम फाइन। और ओके? ऑल ओके सर, ऊपर से थोड़ा जला है, लेकिन कांस्टेबल पाल के हाथ थोड़ा ज्यादा जले, ट्रीटमेंट चालू है। पेशेंट मौरत? 25% बर्न्स है, लकीली वुंड ज्यादा डीप नहीं है, थैंकफुली आग टाइम पे बुझा दी गई। जैसे ही उनकी हालत स्टेबल होती है हम उन्हें जल्दी जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, आप आगे की इंक्वायरी कर सकते हैं बाद में। मैटर क्या है, कुछ पता चला, ये औरत है कौन? सर ये वही है, मैंने आपको बताया था ना, इसने अपने हस्बैंड के बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई थी, 6 महीने से उसे ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर, फरीदाबाद में मेरी पोस्टिंग हुए कुछ ही दिन हुए थे बतौर थाना इंचार्ज। मैंने चार्ज अभी तक ठीक से संभाला भी नहीं था कि अचानक एक इतना अजीब केस सामने आया। कह सकते हैं कि मेरे करियर का अब तक का सबसे चैलेंजिंग केस था ये। शुरुआत हुई थी एक औरत की अटेम्प्टेड सुसाइड से, लेकिन इस केस में आगे जो जो भी होने वाला था वो तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एनीवे, इस पॉइंट पर हमारे सामने दो सवाल थे। पहला ये कि ऐसा क्या हुआ था कि उस औरत ने पुलिस स्टेशन में आकर सबके सामने अपने आप को जिंदा जलाने की कोशिश की, और दूसरा क्या इसमें हमारे डिपार्टमेंट का फॉल्ट था, हमारे काम में किसी कमी या लापरवाही की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। मैडम कुछ करिए, ढूंढ निकालिए मेरे शोहर को, वो अभी तक घर नहीं आए। देखिए काम डाउन, आप ठीक से पहले डिटेल्स दे दीजिए। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उनके साथ कुछ गलत हो क्या, आप कुछ करिए ना। आप उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उम्र वगैरह और उनकी एक फोटो दे देना। फोटो नहीं है मैडम मेरे पास। कोई फोटो नहीं? जी नहीं। मोबाइल में या ऑनलाइन साइट पर कहीं पर? नहीं मैडम, मेरे पास उनका कोई फोटो नहीं। वो क्या है ना कि उन्हें फोटो वगैरह खिंचवाना पसंद नहीं था। ठीक है अजय। यस मैम। एक स्केच आर्टिस्ट बुलाओ और इनकी मदद से एक स्केच बनवाओ। आपके पति का नाम क्या बताया आपने? आतिफ अंसारी। मैडम आप मुझसे बात करिए, आप ढूंढ निकालेंगी ना उन्हें? मैं उन्हें खो नहीं सकती। काम सर, घर के आसपास पूछताछ की, स्केच भी सर्कुलेट करवाई, लेकिन आतिफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। स्ट्रेंज। हाँ सर, पड़ोसी ने उसके बारे में सुना जरूर है, लेकिन उसे या दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा। पति को तो मैंने कभी देखा नहीं, मतलब कुछ ही महीने हुए इधर शिफ्ट होके, कभी कभी जिक्र करती है कि काम के दौरान बाहर ही रहते हैं। सबा ने बताया था कि आतिफ उसे अपने फर्स्ट हस्बैंड फिरोज के थ्रू मिला है। आतिफ भी फिरोज की तरह ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। लेकिन जब ये बात हमने फिरोज की माँ से पूछी तो उन्हें भी आतिफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन है ये? मैं तो इसे नहीं जानती। ये है मेरा बेटा फिरोज, 1.5 साल हो गए उसे लापता हुए, और वो सबा 2 महीने में ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। फिर क्या, ढूंढने से भी नहीं मिला, पुलिस ने भी मामला बंद कर दिया। तो ये ऑपरेट कहां से करते थे? सर एज ऑफ सच कोई ऑफिस या शॉप नहीं है इनका, लेकिन सेक्टर 8 में जितने भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, गैरेजेस है, वहां पूछताछ की, किसी ने भी उस स्केच को पहचानने से मना कर दिया। इस नाम का कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये आतिफ नाम का कोई आदमी है भी या नहीं? वही तो सर, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कोई आईडी प्रूफ, ना ही कोई फोटो। हमको एक्चुअल में ऐसे ही लगने लगा कि कोई है ही नहीं, ये औरत मनगढ़ंत बातें बना रही है, शायद डेल्यूजन का शिकार होगी। एक बार ध्यान से देखना। मैडम फोटो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि ये फिरोज है, मेरे पहले शौहर, और ये भी लापता हुए थे। हाँ अब लापता हो गए थे तो हो गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है, और आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही है मैडम? अच्छा ठीक है, पानी पियो। आखिरी बार कब देखा था आपने आतिफ को, और आप दोनों के बीच कोई अनबन, झगड़ा? नहीं मैडम सब ठीक था, मेरे और फिरोज के बीच में कभी कोई अनबन नहीं होती थी। फिरोज या आतिफ, किसकी बात कर रही हो तुम? आपने अभी कहा फिरोज। मैं आतिफ की बात कर रही थी, और फिरोज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसे गायब हुए तो 1.5 साल हो गया ना, और मेरे शोर तो अभी गायब हुए, वो तो मिल जाने चाहिए था ना ढूंढने पर। आप कुछ करिए मैडम, मैडम ढूंढ निकालिए उन्हें। धीरे धीरे मामला ठंडा भी होने लगा था, लेकिन अचानक ऐसा कुछ कर देगी ये सोचा नहीं था सर। पप्पी मेरे साथ खेलेगा, है ना पप्पी?
आई डोंट नो कैसी लग रही हूँ, खुद आकर देख लो। आज इतना स्पेशल दिन है और आज भी लेट। जल्दी आओ ना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लव यू। फ्लावर कैसा दिए? 200 रुपए का। ये वाला भी देखा, फ्रेश है ना? हाँ फ्रेश है। आतिफ फिरोज के खास दोस्त थे, दोनों साथ में ही बिजनेस किया करते थे। इस मामले को पुलिस ने तो बंद कर दिया था, लेकिन हमें ताने देना नहीं। मैंने तय कर लिया था अब इस घर में नहीं रहूंगी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आतिफ मेरे साथ थे। संभालो अपने आप को, अकेली नहीं हो तुम। आप है इतने हौसला, एक उम्मीद है मुझे। मैडम सोचो मत, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, हक है तुम्हारा खुशियों पर। वक्त के साथ मैं और आतिफ बहुत करीब आते गए, लोगों ने हमारे बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अपनी बीवी बनाकर साथ रखेगी, इसलिए हम लोगों ने निकाह किया और वो मुझे अपने अपने नए घर में ले गए। कितना टाइम हुआ यहाँ शिफ्ट हुए? 8-9 महीने हो गए होंगे। सवा 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे किसी भी पड़ोसी ने अभी तक आतिफ को देखा नहीं। मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, तुम जो कह रही हो सही कह रही, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम चाहती हो कि हम आतिफ को ढूंढें, तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। वो हमेशा अपने आप में रहते थे, कैमरे से दूर भागते थे, फोटो वगैरह खींचना, उसे बातें करना ये सब पसंद नहीं था उन्हें। आस पड़ोस के लोगों से भी कभी बात नहीं करते थे वो। तो ये सब कुछ तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा? आतिफ कहते थे कि दूर में हम दोनों का एक छोटा सा संसार, अगर दुनिया वालों की नजर हम पर पड़ गई तो तुम्हारे रिश्ते को नजर लग जाएगी। जो प्यार में मैं बचपन से ढूंढ रही थी वो मुझे आतिफ दे दी। चुप हो जा, मम्मी डांट देगी। चुप हो जा अभी। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। भाई जल्दी जल्दी करो, शाम होने वाली है। ए! इंस्पेक्टर साहब, कल रात से वीरेन मिसिंग है। वीरेन मेरे हस्बैंड सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, उन्हें ढूंढिए सर। देखिए आप आराम से बैठिए जी, बताइए क्या हुआ। ये उनकी फोटो है सर, क्रिमिनल लॉयर है वो। फ्रेश है ना? हाँ। मैं उनका फोन भी ट्राई कर रही हूँ लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, उनके घर आने के बाद हम लोग सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन सर कल रात से वो घर नहीं लौटे सर। अच्छा आपने इनका पूरा नाम क्या बताया? वीरेन भाटिया। अच्छा उनकी पूरी डिटेल्स दीजिए। एज 32, हाइट 6 फीट, और सर कल जब वो घर से निकले थे तो उन्होंने लॉयर की ड्रेस पहनी थी, और सर वो ऑफिस बाइक से आते जाते। देखिए मैम आप चिंता ना कीजिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। आखिरी बार जब इनकी अपनी बीवी से बात हुई थी ऑफिस से निकल रहे थे। हाँ आया था वीरेन की वाइफ का फोन,
वेडिंग एनिवर्सरी थी, वाइफ से बात करके इमीडिएट घर चला गया था वो। वाइफ को जानती हैं आप इनकी? जी, ऑफिस फंक्शन में मिली थी, प्लस वीरेन भी बात किया करते थे वाइफ के बारे में। संबंध कैसे हैं दोनों के, कुछ आइडिया है आपको? सर, शादीशुदा जिंदगी तो ठीक ही थी, दोनों खुश लगते थे। मतलब इतना करीब से नहीं जानता मैं, पार्टी वगैरह जब ऑफिस की होती थी तो बात हो जाती थी। मैंने सुना है कि उनकी बीवी का अफेयर था किसी के साथ। और सिमी से भी दूर रही हो, और फोन मत करना सिमी को, समझा? क्या दीपक और मैं? सर, दीपक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सालों से, ऑलमोस्ट कॉलेज टाइम से। अफेयर? सर, अगर वीरेन को ऐसा कुछ लगा होता तो मुझसे इस बारे में डिस्कशन जरूर करते, और सर उन दोनों का अगर झगड़ा हुआ होता तो वीरेन मुझे बताते या दीपक मुझे बताता। और ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? बिहेवियर में कोई चेंज वीरेन के? नहीं सर, वीरेन का तो नहीं, लेकिन दीपक काफी टाइम से टच में नहीं है। इनफैक्ट सर, मैंने ये बात अभी रियलाइज की, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। दीपक टच में नहीं है, वो तो बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा, तुमने तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। सर, मैंने कहा ना आपसे, मैं ये बात अब रियलाइज कर रही हूँ, दीपक को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, सिंगल बंदा है, कभी भी कहीं भी निकल जाता है, जब वापस आता है कॉल करता है, मैसेज भी करता है, और सर फिर हम मिलते भी हैं, यही दीपक का पैटर्न है, इसलिए सर मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा। और सर, दीपक और मेरा अफेयर, सर दीपक मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो किसी से कोई दुश्मनी, कोई प्रॉब्लम? क्रिमिनल लॉयर है, इतने सारे केसेस, इतने सारे क्रिमिनल्स। सर, आपको लगता है क्या कि ये किसी पुराने केस से रिलेटेड है? हाँ, हो सकता है, हमें हर एंगल देखना होगा, और वैसे भी उसे गायब हुए 72 घंटे हो चुके हैं, आपको कुछ भी पता चले तुरंत इन्फॉर्म करना। और ये दीपक कहाँ रहता है? सेक्टर नंबर 24 से मिली बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, ये डिसीज नंबर 1, नेम अननोन, एज 34-35 इयर्स, एस्टिमेट टाइम ऑफ डेथ सितंबर 2016। ये डिसीज नंबर 2, नेम अननोन, एज 30 इयर्स, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ अक्टूबर 2017, मतलब 8 महीने पहले की बात। ये डिसीज नंबर 3, एज 32 इयर्स, और मौत लगभग हफ्ते भर पहले की बात। सर, तीनों केसेस में कॉज ऑफ डेथ सेम है, 9x1.5 इंचेस का चाकू जिसे मल्टीपल स्टैबिंग किया है, 0.25 थिकनेस वाला। सर, वेपन, स्टैबिंग मैनर और असॉल्ट एंगल तीनों भी केसेस में सेम है। सर, बॉडी से आर्टिकल मिला है। कोई बटुआ या आईडी नहीं मिला ना? नहीं सर, बस यही। एग्जामिन करवाओ क्या लिखा है, और इसका डिजाइन भी कुछ अनकॉमन है। लेकिन ये आर्टिकल बॉडी नंबर 1 से मिला है, बॉडी नंबर 2 और 3 से कुछ भी नहीं मिला। ये जो पहला विक्टिम है, पहले विक्टिम को दफन हुए काफी समय हो गया है, इसलिए इसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन मुश्किल होगा, लेकिन फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके विक्टिम नंबर 2 के चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करवाओ। सभी बॉडीज की सेमेटोस्कोपी और सेमेटोमेट्री की रिक्वेस्ट रेज करो। और ये जो विक्टिम नंबर 3 है, जिसे मरे एक हफ्ता ही हुआ है, इसके चेहरे का फोटो लेकर इसे डिजिटली एनहांस करवाओ, और इसकी फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ, हो सकता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट कहीं मिल जाए। सर, सभा के गुमशुदा पति को ढूंढते वक्त 3 लाशें बरामद हुई हमें, और उस वक्त तो हमें यह भी नहीं पता था कि ये दोनों बातें आगे जाकर जुड़ने वाली हैं। ऐसे केसेस हुए हैं पहले भी, जिसमें कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन लेकर आया आदमी खुद किसी भ्रम का शिकार होता है, डिल्यूजनल। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लाइफ में हुआ कोई ऐसा हादसा या सदमा उन पर ऐसा भारी असर छोड़ जाता है कि जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाते हैं, वो जिंदगी भर उसी भ्रम में जीते रहते हैं। कई लोगों को ये यकीन था कि आतिफ अंसारी नाम का कोई इंसान था ही नहीं, वो सबा अंसारी का वहम था। मैडम कुछ करिए, ढूंढ निकालिए मेरे शोहर को, वो अभी तक घर नहीं आए। सभा, ये तुम क्या कर रही हो? रुको सभा, सभा तुम चल भी नहीं पा रही हो। डॉक्टर, डॉक्टर, जाने मुझे, डॉक्टर। सभा, क्या हो रहा है सभा, ये सब क्या है? वापस जाओ, तुम्हारा इलाज अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके पास जाओ, मुझे मुझे आगे रहना, आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। परफेक्ट टाइमिंग है इस ताले के भी। क्या हुआ सर? आप जानते हैं इस दीपक को, बात होती है कभी? हाँ सर,
सभी से मिलता जुलता है और हमारे साथ कभी कभार क्रिकेट खेल लेता है। तो जानते हैं कहाँ गया हो सकता है? नहीं सर, वैसे तो हमेशा बताकर जाता है और कभी कभार चाबी भी छोड़ देता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, इसकी कॉल डिटेल्स लिखवा और लोकेशन ट्रेस करो, देखो कि ये सिमी के टच में था कि नहीं। पता चले कि अपने पति को रास्ते से हटा के खुद विक्टिम बनने का नाटक कर रही हो। वैसे कई केसेस में ऐसा होता है। और ये वीरेन, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है। दीपक पर नजर रखो और किसी को सिविल ड्रेस में उसके घर के बाद तैनात करो। हमें वीरेन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और हाँ, वो विनय कहाँ? तो जगदीश को लाइनअप किया जी सर। सर हाँ, ये उसकी फोटो। फॉरेंसिक से कोई अपडेट? सर अभी तक तो कुछ नहीं। पीएसआई अनीता वर्मा ये। ओके, मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करती हूँ। सिमी भाटे को जल्दी से कॉन्टेक्ट करो, उसे आना पड़ेगा बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। सर गुरुग्राम थाने से पीएसआई अर्जुन सिंह का फोन था, वो एक मिसिंग केस हैंडल कर रहे हैं। जो फोटो हमने सर्कुलेट करवाई थी बॉडी नंबर 3, उनका कहना है वो शायद वही होगी। वीरेन भाटिया पेशे से लॉयर है। वीरेन भाटिया? दीपक मुझसे नहीं होगा, आई कांट। मिसेस भाटिया आई अंडरस्टैंड, मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, जरूरी है। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी पॉसिबिलिटी निकली थी वो तो कंफर्म होती है ना कि सब में एक ही मर्डरर है, वरना तीनों बॉडीज एक ही जगह दफन क्यों होती? एक मर्डरर और एक मोटिव। आपने किसी सस्पेक्ट को नैरो डाउन किया है? सर हम पर्सनल एंगल टटोल रहे थे, विक्टिम का एक दोस्त भी है। दीपक रहेजा, मैं ब्रिंग को पलक कुछ क्यों करूंगा जस्ट बिकॉज वो लापता है या कोइंसिडेंटली मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। तेरा और विलेन का झगड़ा होना और उसका अपनी बीवी से दूर रहने को कहना और उसके बाद अचानक से वो गायब हो गया और अगले दिन तू गायब हो गया, और ये सब कोइंसिडेंस है? हाँ गया था सर, मेरी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं इसलिए शहर से दूर चला गया था। कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम? मेरा ब्रेकअप हो गया था मेरे पार्टनर से। पार्टनर? वो सिमी। सिमी? सर आप क्या कह रहे हैं, सिमी और मेरा अफेयर इम्पॉसिबल। क्यों? बिकॉज आई एम की। क्या? मेरा एक बॉयफ्रेंड है, आई मीन मेरा एक बॉयफ्रेंड था, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इन सब बातों से परेशान होकर मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था, और जिस झगड़े की आप बात कर रहे हैं ना सर, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। मैं जो हूँ वो हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। कौन सी चॉइस? ये नपुंसक बनने की चॉइस। बकवास बंद कर, हट। तुम बीमार है समझा, इलाज करवाओ अपना, और फोन मत करना सिमी को, समझा? और सर जिस फोन कॉल की आप बात कर रहे हैं ना, जो कॉल मैंने सिमी को किया था, सर मैंने उसे ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, पर जब उसने कॉल उठाया तो अपनी एनिवर्सरी को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि मैं उसे कुछ बता भी नहीं पाया। मुझे लगा खामखाम वो परेशान हो जाएगी, मैंने बस उसे एनिवर्सरी विश किया और फोन रख दिया, और अगले सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और दूर शहर से चला गया, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। सर हमें लगा दीपक का वीरेन की बीवी के साथ अफेयर है, लेकिन सर हमने वेरीफाई किया ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ये जो दीपक है वो गे है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। सर वीरेन को जब दीपक के बारे में पता चला तो उनमें काफी गाली गलौज हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, और वीरेन ने उसे काफी ह्यूमिलेट भी किया। ह्यूमिलिएशन? वीरेन को मारने का मोटिव तो मिलता है, लेकिन बाकी के दोनों को क्यों? अनलेस दीपक इन दोनों को भी जानता हो और इन दोनों ने भी दीपक को इंसल्ट किया हो या किसी वजह से उकसाया हो। सर लेकिन यहाँ क्यों, फरीदाबाद में क्यों? वो तो उसे गुरुग्राम में मार के ही दफन कर सकते थे। दीपक का फरीदाबाद से कोई कनेक्शन? अभी नहीं तो 1.5 साल पहले का, जब इस पहले विक्टिम को मारा गया था। नहीं सर, हमने उसकी पर्सनल हिस्ट्री चेक की, बेसिकली वो मुंबई से है, यहाँ लॉ करने के लिए शिफ्ट हुआ था। लेकिन सर दो सस्पेक्ट्स और भी हैं, दो क्रिमिनल्स जिनको वीरेन ने सजा दिलवाई थी। सर दोनों कुछ महीने पहले सजा काट के बाहर आए, बस सर वही दो हैं। सर इस केस के रिगार्डिंग कोई भी असिस्टेंस की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बताइएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरे शौहर मिले, मेरे हाथे मिले सब। सबा हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? रोज की वजह से भी सही हुआ था, पुलिस ने कोशिश की थी और थोड़ी देर के बाद केस बंद कर दिया था। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मैं उन्हें खो नहीं सकती साहब, कुछ करिए। देखो सबा, जब तक तुम्हारे पति नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। तुम घर जाओ, जैसे कुछ पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। मैं घर नहीं जाना चाहती, अपने आतिफ का इंतजार करना चाहती। एक काम करो,
इन्हें मेस के बाहर जो बेंच है वहां बिठाओ, पानी पिलाओ। मैंने इसके पहले पता की फाइल्स मंगवाई थी, क्या हुआ उसका? सर मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया है, फाइल्स आ जाएंगी। अंडरस्टैंड वर्मा, वो फाइल्स आएंगी तो हमें इस केस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर बाई चांस सभा ने उन फाइल्स में अपने पहले पति के बारे में वही सब बताया है जो अभी वो अपने दूसरे पति के बारे में बता रही है, तो हमें ये समझ में आएगा कि एक पैटर्न है जिसे वो बार बार फॉलो करती है, और आतिफ अंसारी नाम का कोई इंसान है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये समझ में आएगा कि बार बार सभा को टारगेट किया जा रहा है, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? यस सर, यू आर राइट, आई एम सॉरी। मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करती हूँ और फाइल्स इमीडिएटली लाती हूँ। अभी अभी ये ऊपर ही होगा, पता नहीं ऊपर बैठ के क्या करता रहता है। अभी करता, कहीं बाहर खेलने नहीं जाता, तुम्हें अजीब नहीं लगता ये सब? कहीं हमारा अभी उसकी दिमागी हाल? क्या बकवास कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? ये सब उसने टाइम पास के लिए किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, कोई फेज होगा, और ऐसे फेज सभी गुजरते हैं, इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? काश मैंने कभी किसी बच्चे को ऐसे करते नहीं देखा है। फिर वही अभी नॉर्मल है, दूसरे बच्चों की तरह। माँ हो या दुश्मन, ये सब सोचोगी ना तो डीमोरलाइज हो जाएगा, और तो और बाहर के लोग क्या सोचेंगे, पागल कहेंगे, इस टाइम मिल जाएगी जिंदगी भर के लिए। लुक, तुम उससे कुछ मत कहना, मैं उससे बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओके प्लीज सर, मैंने दिल्ली से कॉलेज कंप्लीट किया है, वही मेरी सिमी से मुलाकात हुई थी, लेकिन आप ये सब फरीदाबाद? फरीदाबाद? फरीदाबाद में रहना नहीं हुआ? नहीं सर। डेढ़ साल पहले कहाँ रहते थे, गुरुग्राम में या फरीदाबाद में कि फरीदाबाद के आसपास? सर डेढ़ साल पहले मैंने आपको बताया ना अभी कि 3 साल से मैं यही हूँ गुरुग्राम में, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस कीजिए सर, हमें और परेशान मत कीजिए, आप जाइए और जाकर मेरे इनके कातिलों का पता लगाइए। वही करना है। तुम्हारे पति की लाश यहां से 42 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में मिली, ये बात तुम्हें खटकी नहीं? और साथ ही जिस गड्ढे में से तुम्हारे पति की बॉडी मिली उसी गड्ढे में से 2 डेड बॉडीज और मिली है, इसीलिए पूछ रहे हैं फरीदाबाद से या उन दोनों आदमियों से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं। सिंह, तुमने जिन 2 क्रिमिनल्स के बारे में बताया था जिनकी विनय से दुश्मनी हो सकती है, क्या नाम थे उनके? विनय कांत एंड जगदीश। उन्हें तोड़ कर देखो, हो सकता है उनमें से किसी का कनेक्शन बाकी मिली 2 डेड बॉडीज में से किसी के साथ हो। माना 1.5 साल पहले वो जेल में थे, पर इन लोगों के कनेक्शन अच्छे खासे होते हैं, किसी और से मर्डर करवाया होगा। जेल से निकलने के बाद कहां कहां गए, क्या क्या किया, सब कुछ पता करवाओ, और जहां जहां गए उन एरियाज में अगर कोई गुमशुदगी के या अनसॉल्व मर्डर केसेस हैं सब कुछ ढूंढ निकालो। उनमें से एक बंदा वही है फरीदाबाद में, जगदीश पंडित। अच्छा जी सर। वर्मा, फंसाइए हमको, हम तो खड़े हैं कि हमको कोई फंसाए, हमारा तो जन्म हुआ इस पृथ्वी पे कि एक मामले में से फंस के निकले तो दूसरे में फंस जाए। मैं जितना पूछ रही हूं। क्यों पूछ रही? सवाल तब पूछा जाता है जब जवाब की कोई वैल्यू हो। एकदम चुप। देख, जहां पर वो बॉडीज मिली है ना वहां पर तेरा मोबाइल ट्रैक हुआ है, अब तू चुपचाप बोलेगा या? था, मैं वहां था, आपके हिसाब से मैं वहां था, फिर क्यों थे
क्या कर रहे थे? मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, आप कहेंगे कि मैं मंगल ग्रह में था तो ठीक है, क्योंकि कोर्ट में तो आपकी सुनी जाएगी। हम तो कह रहे हैं ना, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमको कोई फंसा दे। पागल आदमी है सर। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जगदीश एक हफ्ते पहले वही था जहां पर बॉडीज बरामद हुई। वीरेन की वजह से पहले ही अंदर जा चुका था। जब असली मर्डरर ने अपना गुनाह कबूल किया तो कोर्ट रूलिंग रिवर्स की गई, छूट तो गया लेकिन सबसे पहले जाके वीरेन को धमकाया। बस यही, बाकी दोनों से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। क्या हुआ सर? ये वही रिंग है ना जो हमें एविडेंस में मिली थी? ये तो वही सभा का पहला पति फिरोज, जो फाइल्स तुम लेके आई हो मैं वही पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीन डेड बॉडीज हमें मिली है उनमें से एक डेड बॉडी सभा के पहले पति फिरोज की हो सकती है। ये देखो, सभा के पहले पति को गायब हुए 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हो गए लापता हुए? उसे गायब हुए तो 1.5 साल हो गया ना। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहला आदमी जो मरा था वो भी 1.5 साल पहले ही मरा था, मतलब टाइमलाइन भी मैच होता है। यस सर। सभा है ना बाहर? सर। वो डेड बॉडी फिरोज की है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें डीएनए एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, और आतिफ नाम का सभा का कोई पति है भी या नहीं इस बात को कंफर्म करने का अच्छा मौका है हमारे सामने। अगर सभा के पास अपने पति की कोई ऐसी चीज है जिससे डेड बॉडी का डीएनए मैच करवा के देख सकें तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो डिल्यूजनल है और जिस खोए हुए पति की बात कर रही है वो फिरोज ही है और कोई नहीं। सर, हमें तुम्हारे पति की कोई चीज चाहिए जो वो इस्तेमाल करते थे, कंघी टूथब्रश ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? नहीं सर, मेरे पास उनका कोई भी सामान नहीं। वो जब भी कहीं जाते थे अपना सारा सामान अपने साथ ले जाते थे, मेरे पास तो कुछ भी। सब एक चीज है, वो शेव करते हैं ना रेसर, शायद घर में होगा। हमें उसकी जरूरत होगी। वो मेरे शोहर नहीं होंगे ना साहब? सभा, वही तो पता लगाना है। अभी कोई भी बात पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुई है। एक बॉडी जिसे हम अभी तक बॉडी नंबर 3 कहते थे वो वीरेन भाटिया की बॉडी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, और हम उम्मीद कर रहे थे कि एक और बॉडी नंबर 1 जिसे 1.5 साल पहले दफनाया गया था किसी तरह से उसकी भी शिनाख्त हो जाए। हमें अंदाजा तो था कि वो बॉडी सभा के पहले पति फिरोज की थी। अगर ये बात डीएनए मैचिंग से साबित हो जाती तो इससे कम से कम ये गुत्थी तो सुलझ जाती कि सभा का पति आतिफ अंसारी वाकई में था या उसका भ्रम। लेकिन इस वक्त तक हमें इस बात की भनक भी नहीं थी कि इन विक्टिम्स के बीच के जिस कनेक्शन को हम ढूंढ रहे थे वो कितने बड़े खतरे में था। सर, हमने उस रेपिस्ट बेनेकांत यादव का कच्चा चिट्ठा निकाला, उसे लॉकअप में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन उसका वीरेन से कोई लेना देना नहीं है। सर, हमने उसका कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स भी वेरीफाई किए, वो सच बोल रहा है। सर, ना ही उसका फरीदाबाद से और ना ही उन दोनों लोगों से कोई कनेक्शन निकला। अब एक ही उम्मीद बाकी है सिंह, अगर ये कंफर्म हो जाए कि सबसे पुरानी डेड बॉडी सभा के पहले पति फिरोज की है तो हमारा काम। सर, डीएनए रिपोर्ट्स नो मैच। जो रेजर सभा ने दिया उससे जो डीएनए मिला वो बॉडी नंबर 1 से नहीं मैच करती। इसका मतलब है सभा के साथ फिरोज के अलावा वाकई में कोई रह रहा था जिसका वो रेजर है। सर, यानी आतिफ अंसारी नाम का आदमी वाकई में उसका पति हो सकता है, यानी आपका अंदाजा सही निकला, सभा सच कह रही थी। सभा आतिफ के बारे में सही बोल रही थी, ये तो इस केस का एक एंगल है। लेकिन वो बॉडी नंबर 1, ये कंफर्म करना कि वो बॉडी फिरोज की है बहुत जरूरी है। एक काम करो, सभा को लेके आओ। साहब, फिरोज की तो कोई भी चीज मेरे पास नहीं है। मुझे लगा आप लोग आतिफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बॉडी आतिफ की नहीं है। मतलब मेरे आतिफ अभी भी सही सलामत है, वो जिंदा है। ये बात सही है कि वो लाश आतिफ की नहीं है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आतिफ सही सलामत है। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास फिरोज की कोई भी चीज़ नहीं है? नहीं साहब, मेरे पास फिरोज का कोई भी सामान नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी अम्मी, फिरोज का कोई तो सामान उनके पास होगा। ठीक है, तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो बताते हैं। सर, कहीं यही तो इन्वॉल्व नहीं? सर, क्या पता ये सभा विक्टिम बनने का नाटक कर रही हो। सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही औरत के दोनों हस्बैंड गायब? अरोड़ा, सर एक काम करो,
सबा ने जो रिजल्ट दिया था उसे बॉडी नंबर 2 जो 8 से 9 महीने पुरानी है उसके डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। वर्मा तुम फिरोज की माँ से फिरोज का डीएनए सैंपल ऑब्टेन करो। अगर बॉडी नंबर 1 फिरोज की है और बॉडी नंबर 2 आतिफ की निकलती है तो देखना यह भी है कि इन दोनों का वीरेन के साथ क्या कनेक्शन है। ओके सर। सर फिरोज की माँ के डीएनए से बॉडी नंबर 1 का डीएनए मैच हो गया, इसका मतलब वो बॉडी फिरोज की है। और सर बॉडी नंबर 2 का डीएनए आतिफ के डीएनए से मैच नहीं हुआ, इसका मतलब वो किसी और ही की बॉडी है जो अभी तक इस केस में सामने नहीं आया। सर अब क्या, क्या सबा और सिमी के बीच कोई लिंक है? सर हमें सबा और आतिफ से जुड़ी और भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। सर आतिफ का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो जरूर होगा। सबा और सिमी दोनों एक ही एज की हैं, दोनों की फैमिली वगैरह कुछ नहीं है। करेक्ट। बेसिकली इन दोनों का प्रोफाइल एक जैसा है, एक डेड बॉडी फिरोज की है, दूसरी डेड बॉडी वीरेन की है। और डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि तीसरी डेड बॉडी आतिफ की नहीं है। अगर इस पैटर्न को लॉजिकली देखा जाए तो तीसरे आदमी की भी बीवी होनी चाहिए। आनन, 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 मैं मार दूंगी। मुझे लगता है हम अभी तक इस केस को गलत एंगल से देख रहे थे। मर्डर के निशाने पर फिरोज या वीरेन नहीं, सबा और सिमी थे। हमें उस तीसरी औरत को ढूंढ निकालना होगा इससे पहले कि वो सीरियल किलर किसी और बेगुनाह को अपना निशाना बना। तुम? हाँ बस एरिया में था, सोचा खबर लेता चलूं। अच्छा आओ ना, अंदर आओ, आओ बैठो। थैंक्स। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। इन आदमियों को ध्यान से देख के बताओ, तुमने इन्हें कभी देखा? जी नहीं। इनको कभी आतिफ या फिरोज के साथ देखा हो? सबा मुझे आतिफ के बारे में सब कुछ बताओ। मुझे जितना पता था मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि आतिफ हमेशा अपने आप में रहते थे। जब जब मैं आतिफ के स्केच को देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है और हाल फिलहाल में देखा है। धीरज रखो सिमी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। तुम मुझे शुरू से बताओ, तुम आतिफ को पहली बार कहाँ मिली थी, कैसे तुम्हारा मिलना जुलना बढ़ा, कैसे उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, सब कुछ। फिरोज के साथ ही मैं आतिफ से पहली बार मिली थी। आतिफ की सालगिरह पर हम लोग होटल में खाना खाने गए थे। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं और फिरोज के गायब होने के 2 हफ्तों बाद आतिफ ने मुझे पहली बार बताया कि वो मुझे पसंद करते हैं। और उसके बाद जब पुलिस ने केस बंद कर दिया तो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? फिरोज के गायब होने के 2 हफ्ते बाद आतिफ ने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? जी। वर्मा सिंह, वीरेन को गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, सिमी कहाँ है? सिमी को फोन लगाओ। जी सर। सर बेल जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। आई थिंक मैं जानता हूँ कि मैंने इस आदमी को कहाँ देखा है। सिंह तुम सिमी के घर निकलो। जी सर। वर्मा तुम स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ क्विक। ओके सर। थोड़े बाल ऐड करो, आईब्रोज बना थोड़े थिक और इसकी पगड़ी बना। ये तो उस दिन वीरेन के चौथे पे मौजूद था, क्या नाम था इसका, अम्बरीश, राइट? सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ठीक होने के लिए अब बचा भी क्या है? मेरे तो सब कुछ वीरेन ही था, कोई फैमिली भी नहीं है। मैं वीरेन के बिना बिल्कुल अकेले हो गई हूँ, बिल्कुल अकेले। अकेली नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, मन हल्का करने के लिए अगर आप बात लो, तब तक चाय पी लो, जरा मैं आराम ले। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हारे लिए डिवोटेड हो, जिसके लिए तुमसे बढ़कर कुछ ना हो। तुम
तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए। आई लव यू सिमी। हमेश ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने सोचा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो वीरेन के दोस्त होने के नाते, लेकिन हाँ तो हूँ ना मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। देखो तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे एक चांस दो, तुम मुझे देखोगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। स्टॉप इट अमरीश, लीव, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लूंगा। सुनो ना सिमी, प्यार से मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ेगा जो बाकी लड़कियों के साथ किया था। जैसे उन्हें बंद किया था तुझे भी बंद करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम जल्दी से पिछली तरफ देखो। कब तो अभी भी गर्म है सर। वहां तो कोई नहीं है। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जल्दी से एपीपी जारी करवाओ और कंट्रोल रूम में कोऑर्डिनेट करके जल्दी से चारों तरफ नाकाबंदी करवाओ और उनका फोन ट्रेस करवाओ। हो गया, कर दिया ना सब खराब। क्या क्या सपने देखे थे। हाँ प्यार देना चाहता था ना, प्यार लेना चाहता था। उस सभा को देखो कितनी अच्छी है वो, प्यार की असली कीमत जानती हो। सिमी सिमी उठो ना सिमी। तुम चुप बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे घर जाने दो। मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। बोलो ना, बोलो आई लव यू। बोलो 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 ना बोलो ना। आई तो प्यार हो गया तुझे सबा सिमी पायल से। हाँ प्यार हो गया सबसे, इसलिए मालूम के पति हूँ। हाँ सर कोई चारा नहीं था, बुरे नहीं थे पर उनका लक बहुत अच्छा था। और सर मेरा लक तो हमेशा से खराब है, जब भी कुछ चाहिए होता है ना मेरे लक में मुझे मिलता नहीं है। और उनको फिरोज वीरेन उनको सब कुछ मिल जाता है, अब मुझे उसे छीनना पड़ा ना। और सर ये अभी नहीं बचपन से चलता हुआ आ रहा है। मेरी गाड़ी है। मुझे सब सभा को पहली बार देखा ना तो मुझे प्यार हो गया, तो मैं अभी से आतिफ बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, मैं और सभा सर, फिर मैं पायल से मिला, फिर पायल से प्यार हो गया। और फिर तुझे सिमी से भी प्यार हो गया सर, उसी के चक्कर में तो ये बना हूं। सर वो सिमी तो पटी जाती है, आप लोग आ गए, थोड़ी देर और करते ना तो मैं उसे समझा देता, वो समझ जाती कि मैं उससे कितना प्यार नहीं तेरा पागलपन है ये। अब इसी पागलपन के चलते जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। तो कॉन मैन सीरियल किलर अमरीश आतिफ अवी आखिर हमारे हाथ लग ही गया। कोई भी रातों रात गुनाहगार नहीं बनता, अभी को भी एक मर्डरर बनने में समय लगा और ये सब कुछ उसके माँ बाप के सामने हुआ। अगर उसके माँ बाप समय रहते उसे रोक देते तो फिरोज वीरेन और पायल के पति सौरभ की जान बच जाती। सवा सवा में देखा था तुम आओगी। क्यों किया तूने ऐसे मेरे साथ, क्यों किया, क्यों ली फिरोज की जान, क्यों मारा उसे। तेरे लिए मैंने अपने आप को जला दिया, वो जानता रे वो सब बातें सब झूठी थी,
क्यों किया बोल, क्यों? काश पहली बार किसी का कुछ छीनने पर अभी के माँ बाप ने उस पर हंसने की बजाय उसे समझाया होता, समय रहते उसकी बिगड़ती दिमागी हालत का इलाज करवाया होता। काश सभा का प्यार इतना अंधा ना होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आपकी फैमिली के लोगों में, आपके आसपास आपको कोई भी ऐसी अजीब चीज नजर आए तो आंखें बंद मत कीजिए, मुंह मत मोड़िए, उसे ध्यान से देखिए, समझिए और अगर जरूरत पड़े तो आवाज उठाइए, सवाल कीजिए। कल आपकी यही सतर्कता कई जाने बचा सकती है। अब मैं इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर आपसे विदा लेता हूं, आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।